विगत 10 दिनों से सिवनी मालवा में पटवारी अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन के बाद भी पटवारियों की लंबित वेतनमान संबंधित मांग को अब तक पूर्ण नहीं किया है। इसी को लेकर पटवारी संघ द्वारा प्रदेश सहित जिले एवं तहसील में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। पटवारी संघ पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार पटवारी की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। कई बार आवेदन निवेदन के बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए पटवारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। पटवारी संघ तहसील अध्यक्ष अरविंद रघुवंशी ने बताया कि पटवारी संघ द्वारा विगत 10 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारा ग्रेड पे 2800 किया जाए। विगत 25 सालों से हमारा वेतनमान में कोई संशोधन नहीं किया गया है। हम आज भी उसी वेतनमान पर काम कर रहे हैं जो 25 साल पहले था। सभी वर्गों का वेतनमान का उन्नयन किया गया, पर पटवारियों का आज तक नहीं किया गया। हमें यात्रा भत्ता के नाम पर आज भी 300 रुपए दिए जाते हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। पटवारी वर्ग पटवारी से भर्ती होता है और पटवारी पर ही रिटायर हो जाता है। दूसरे विभागों में योजनाएं लाकर प्रमोशन की नीतियां बनाई गई, पर पटवारियों के लिए कुछ नहीं किया गया। पटवारियों का कहना है कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं अरविंद रघुवंशी, तहसील अध्यक्ष सिवनी मालवा। ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पटवारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर। हम सभी पटवारी विगत 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांग है 2800 ग्रेड पे। हमारी मांग 2800 ग्रेड पे है, क्योंकि विगत 25 वर्षों से हमारे वेतनमान में कोई संशोधन नहीं किया गया। हम आज भी उसी वेतनमान पर कार्य कर रहे हैं जो विगत 28 साल पहले हमें जो वेतनमान मिलता था। सभी वर्गों का हमारे संपर्क में, तहसीलदार वर्ग का, राजस्व निरीक्षक वर्ग का, सभी वर्गों का वेतनमान उन्नयन किया गया, लेकिन पटवारी संवर्ग का वेतनमान 25 साल से वही चल रहा है। उसके अलावा हमारी मांग है, हमें यात्रा भत्ता के नाम पर आज भी 300 रुपए दिए जाते हैं। विगत 25 साल पहले जो भत्ता मिलता था, वो भत्ता आज भी मिलता है, जबकि पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मकान भत्ता हमें आज भी 250 रुपए के आसपास मिलता है, जबकि अपन देख रहे हैं कि आज इतनी महंगाई के दौर में 250 रुपए में कहां मकान मिलता है। इसके अलावा पटवारी वर्ग जो है, पटवारी से भर्ती होता है और पटवारी पे ही रिटायर हो जाता है। दूसरे विभागों में कई योजनाएं ला लाकर प्रमोशन की नीतियां बनाई गई, पटवारी संवर्ग में आज भी वही पुरानी नीति चल रही है, पटवारी से भर्ती होना और पटवारी से रिटायर होना। ऐसी विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए विगत 10 दिनों से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हालांकि इस हड़ताल से हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है, उनके कार्य प्रभावित हो रहे हैं, आम जनता प्रभावित हो रही है। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी हमारे सहयोग करें और हमारी इतनी 25 साल पुरानी मांग में शासन को किसी न किसी प्रकार से बताएं कि इनकी मांगें जायज हैं, पटवारियों की मांग जायज है।